दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, प्रेस कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट टू अनलॉक। ये ऑप्शन अगर आपके पास कंप्यूटर में काफी फैमिली मेंबर है जो आपका कंप्यूटर यूज करते हैं या बच्चे हैं तो आपका कीबोर्ड इस तरह के साथ प्रेस करते हैं तो आपका ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ये लॉक स्क्रीन पे है। तो अभी क्या है कि हम कंट्रोल एल्ट उसके साथ डिलीट प्रेस करेंगे साथ में तो हमारा ये यूजर आईडी का ऑप्शन मतलब पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं वीडियो में। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको रन कमांड में आना है, आपको रन ओपन कर लीजिए अपना और यहाँ पे लिखिए netpl.wiz, ठीक है। आप इसको जो है सर्च कर दीजिए, इंटर कीजिए और यहाँ पे आपके पास यूजर अकाउंट का इस प्रकार का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होके आए तो यहाँ पे आपको एडवांस में आना है, यूजर आईडी सिलेक्ट रहेगा, एडवांस लेवल में आपको आना रहेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर साइन इन, यहाँ पे आपको ये अनचेक रहेगा, आपको ये चेक कर देगा, रिक्वायर यूजर टू प्रेस कंट्रोल प्लस एट प्लस डिलीट का ऑप्शन आगे, अगर आप इसको चेक किए कर देंगे आपका इस प्रकार रहेगा, अनचेक रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको इनेबल करना चाहते हैं तो आप जो है इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई करेंगे ओके कर दीजिए, आपका ये चालू हो गया है। अब आप कभी भी अपने कंप्यूटर को लॉक करेंगे या विंडो के साथ एल प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है कीबोर्ड में कोई भी बटन प्रेस करेंगे आपको स्क्रीन में आपके कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप कंट्रोल एल्ट और डिलीट के साथ एक बार आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका कोई बटन की नहीं काम करेगा, आपका सिक्योर साइन इन का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।